को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज है इंडिपेंडेंस डे और इसी के खुशी में दोस्तों आज हम बताने वाले हैं जो कि कल का मुकाबला खेला गया था और इंडिया में ये मुकाबला आज खत्म हुआ है और टीम इंडिया ने यहाँ पे वेस्ट इंडीज का किया है पूरा क्लीन स्वीप। और इसी के कड़ी में दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को पूरा एंड तक कि क्या क्या रिव्यू हुआ था मुकाबले में। तो बहुत ही मजेदार वीडियो रहने वाली है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें स्टार्टिंग से तो स्टार्टिंग में वेस्ट इंडीज के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और उनका फैसला जैसे लगा एकदम सही बैठा है। अगर बात करें हम क्रिस गेल जो अपना आखिरी ओडीआई मुकाबला खेल रहे थे, उन्होंने शानदार एक बहुत ही अच्छी हाफ सेंचुरी लगाई और तेज तर्रार हाफ सेंचुरी लगाई जहां उन्होंने 72 रन की अच्छी पारी खेली और उनका साथ पूरा दिया था इवन लुइस ने और ये दोनों ने मिल के बनाए थे। पहले विकेट पे उनकी साझेदारी थी 112 रन की और ये भी साझेदारी 11 ओवर में उन्होंने मात्र पूरी की थी। यानी ये दोनों खिलाड़ी बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन जहां पे इवन लुइस आउट हुए उसके बाद क्रिस गेल आउट हुए, उसके बाद शुरू हो गई थी वेस्ट इंडीज की पारी खत्म, खतरे में आ गई थी। और उसके बाद हम बात करें शाई होप ने जहाँ 24 रन की पारी खेली और वहीं पर अगर हम बात करें हिटमायर की तो हिटमायर ने 25 रन की पारी खेली और इन दोनों ने कुछ हद तक संभाला था। लेकिन उसके बाद जहां पारी शुरू हुई और डकवल यूज का नियम लगा तो पूरा मुकाबला जो था वो 35 ओवर का हो गया और वेस्ट इंडीज ने अपने 35 ओवर में 240 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे। यानी कि अच्छी स्कोर खड़ा कर दिया था। अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज की, उसके बाद बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम और भारतीय टीम को डकवल यूज के नियम के आधार पर टीम इंडिया को बनाने थे 256 रन और 255 का टारगेट मिला था। और अगर हम बात करें इसके बाद टीम इंडिया बैटिंग करने आई तो जहां पे रोहित शर्मा की शानदार शुरुआत नहीं हो पाई और वो रन आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जहां शिखर धवन ने कुछ दिनों बाद अच्छी इनिंग खेली जहां पे 36 रन बनाए, 36 बॉलों में कुछ अच्छे टच में दिखे थे और उसके बाद विराट कोहली ने शानदार 43वां शतक जड़ा और सभी देशवासियों को एक अच्छा तोहफा दिया है। अगर बात करें विराट कोहली की और विराट कोहली ने 43वां शतक जड़ा और इसके साथ उन्होंने 114 रन भी बनाए नॉट आउट रहते हुए। और उसके बाद बात करें तो आए ऋषभ पंत बड़ी पारी नहीं खेल पाए, 0 रन पे आउट हो गए। और उसके बाद अगर बात करें तो श्रेयस अय्यर इसमें शानदार टच में दिख रहे हैं। और अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर की तो श्रेयस अय्यर शानदार फॉर्म में है, इस समय 65 रन बना के आउट हुए। लेकिन वो और विराट कोहली जहाँ पे टीम इंडिया की पारी थोड़ी सी डगमगा रही थी, 95 रन पे 3 विकेट गंवा दिए थे, वहाँ पे ये दोनों खिलाड़ियों ने शानदार फॉर्म दिखाया और ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को जीत के पास ले गए। और उसके बाद केदार यादव आके 19 रन नॉट आउट बना के टीम इंडिया को 6 विकेट से बहुत ही अच्छी जीत दिला दी और ये थी टीम इंडिया की डकवल यूज के हिसाब से 6 विकेट से जीत। और टीम इंडिया ने यहाँ ये सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी न्यूज़ है क्योंकि अगर बात करें वर्ल्ड कप के हार के बाद टीम इंडिया के लिए एक अच्छी शुरुआत जरूरी थी क्योंकि अगले जो साल होने वाला है T20 वर्ल्ड कप उसमें टीम इंडिया का हौसला बुलंद रहना चाहिए और इस फॉर्म के बाद टीम इंडिया एक अच्छी तरीके से दिख रही है। तो दोस्तों ये था पूरा कल के मैच का रिव्यू और बहुत ही अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब जो होने वाला है टेस्ट सीरीज उसमें कौन जीतेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों के साथ वीडियो खत्म करते हैं, अब आपको मिलेंगे हम अगले क्रिकेट।